इसको थोड़ा 1.5 यार पे कर। खामा का इसको पब्लिसिटी मिल जा रही है, हाँ मिलेगा, पब्लिसिटी के। लेकिन ये थोड़ा अजीब टाइप का ही मोमिन है, क्या बोले इसको। हाँ अजीब ही है, मेकअप नहीं आर्टिस्ट तो लोग हैं। जो अजीब ज्यादा नहीं जो ज्यादा होता वो दिखा दो मुझे, कोई एक तो दिखाओ जो अजीब नहीं है। ये अजीब सा मोमिन है, ये ऐसे भी जैसे जैसे कोई वाहिद मोमिन है जो अजीब सा है। जो अजीब नहीं है वो तो दिखाओ मुझे पहले, फिर बताना ये अजीब सा है। जो जो असल इस्लाम को फॉलो करता है वो नॉर्मल मोमिन है, और ये जो मेकअप आर्टिस्ट लोग है ना, ये बहुत बड़े अजीब वाले हैं, अजीब भी है और देख के ये टांग जल ज्यादा जाती है। खतरनाक है ना वैसे। नहीं असल इस्लाम को हाँ फॉलो कर रहा है इस वक्त हाँ ये भी इंडिया बात में, इंडिया में असल इस्लाम को फॉलो करने वाला बचा? छोड़ा ही नहीं है आपने कोई यार। खत्म हो गया। चलो चलो क्या बोलते हैं, देखते हैं। आना था इस मथुरा की ईदगाह को भी आना था। ये तीन नाम तो बहुत प्रोमिनेंट चले ही आ रहे थे ना एक साथ, अब से नहीं पहले से। बस उनका ये था कि एक एक करके बात करते हैं। वो रास्ता तो खत्म हो चुका दरमियान में, जिसमें कानूनन ये हो जाता कि चाहे कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो, अब तारीख में कोई नहीं जाएगा। अब कानूनन कोई दावा नहीं कर सकेगा, करेगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो रास्ता तो खत्म हो गया था, यानी ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आया था जिसे नहीं माना गया। क्या वो फैसला ये आया बिल्कुल था? ऐसी शक्ल है कि कोई एक जबर जो है किसी मार रहा हो, पटसैया खाता जा रहा हो, दूसरा गिरता जा रहा हो, कहता है कि देख लूंगा तुझे, देख लूंगा और चार कदम पीछे, अच्छा बात को देख लूं, और पिटता रहे और भागता रहे। तो ये उस पोजीशन पर लेकर सबको चले। मैं आपको लोगों के उनके लीडरशिप के खिलाफ नहीं भड़का रहा, लेकिन कोई स्टेज कभी तो आएगी जहां पर आप जिम्मेदारी तय करेंगे कि कौन जिम्मेदार है नालायक का। उनसे अलग हटकर आवाम जिम्मेदार हो जाएंगे जो उनका साथ देते रहे सब चीजों। ऐसे देते रहे कि कुछ और कहना आसान नहीं था, कि लोग भिड़का छत्ता जैसे चिमट जाएंगे। जैसे कमेटी ने कहा, बहुत से लोग हैं और ठीक ठाक फॉलोइंग वाले हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि सामने आ सके। तो बहरहाल अब से तकरीबन ये भी उधर ही 1988 के आसपास की बात होगी, यहां एक अच्छे, वाकई मैं भी इज्जत करता, जिनके एक आलिम थे, अब नहीं है दुनिया में, उनसे मेरी बातचीत इस पर हुई, क्या तो कहना क्या मैंने अच्छा उनके भाई है सामने यार। कुरान की एक आयत। अरे वही है क्या वीडियो, एक मिनट देखता हूँ मैं, शायद दूसरा तो नहीं तुमने गया। क्या मुझे असल इसकी मुद्दा, अभी तक हाँ की स्टेटमेंट समझ नहीं आई कि वो कहना क्या चाहता है। हाँ एक मिनट रुको यार, वही होना चाहिए वीडियो तो। होना चाहिए, तू भी मुसलटा हो गया इस तरह से। नहीं, ये आपको सुना वाला बात, स्टार्टिंग से ही है ना। हाँ मैंने कहा मुझे तो ये महसूस होता है कि मुसलमानों को इसकी शिद्दत नहीं इख्तियार करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम खुशी खुशी किसी प्लेट पर सजा कर दे दें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो काबे के अंदर बुक छोड़कर गए थे मूर्तियां, है? उनकी अच्छा तहलील में छोड़ के चले गए। छोड़कर, अच्छा अच्छा जब हिजरत कर गए थे, जब हालात वहां ऐसे अच्छा थे। अच्छा मतलब इसने बहुत, जाने सबको इसने रोको रोको, ये इसने बहुत एक बड़ी गेम डाली है इसने। हाँ उसने ये गेम डाली है कि भाई जब तुम पावर में नहीं है तो तो चुप जो कर जाओ, चल रहा है दूसरे वो के छोड़ चलने दो। दो, हाँ चल रहा वो चलने दो, यही जब पावर आ एग्जैक्टली। जाएगा। और रसूलुल्लाह ने किस तरीके से वहां से उन बुतों को तोड़ के बाहर निकाला था, तो उस तरीके से आपने काम करना है। बड़ी जबरदस्त उसने एक हिंट दिया है वही मोमिनों वही को। बोल रहा हूँ कि इनका अंडरटोन जो है वो एक्चुअली वही है कि अभी हिजरत का टाइम है और अभी हम कमजोर है, तो जो हो रहा है वो होने दो, बाद में ताकत में आएंगे तब वापिस सारे के सारे लेंगे। आगे सारे जो उस वक्त जान निसार थे उनकी जाने गवा दी। तब उन्होंने कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, उस पर कोई तबसरा नहीं किया, कर सकते थे, बड़े आलिम थे, और अब से 25-30 साल पहले मेरी हैसियत क्या थी। और वो बड़े आलिम थे, मशहूर भी थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस आयत का हवाला आप गलत दे रहे हैं, ये कहते तो अलग बात थी कि मैं उस वक्त चुप हो जाता, मैं फिर भी वही समझता कि मेरी बात ठीक है। ये नहीं कहा उन्होंने, कहा वाह क्या बात कह दी आपने, अभी ये इसी की बात कर रहे हैं, उसके बाद 3 मस्जिदें, फिर 300 की लिस्ट है इनके पास, फिर सब जाएंगी। अब आप हैं उस जगह के 300 जाएंगे, क्यों नहीं इनके सामने बेचैनी के क्या हालात इसकी वजह से आ जाएंगे। बहरहाल अब वो बात 3 तक नहीं रुकी,
बात वो 300 हो या जितनी भी जगह जगह टीवी शो चल रहे हैं, बड़े चैनल्स भी होगा, वो जो करते ही रहते थे वो इन्हीं खाली इंडिया टुडे वाले और फला, अब इसमें ला रहे एक्स मुस्लिम्स को, पहले मुसलमान थी जगह जगह उनके टीवी, इसका भी काम चलता ही नहीं बिना एक्स मुस्लिम के नाम लिए। नहीं एक्चुअली रिजवान और ये फैज आता है ना एक, उन दोनों को एक्स मुस्लिम बता रही है और फैज की बात कर रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा उनको एक्स मुस्लिम, हाँ रिजवान अहमद और फैज को। हाँ वो तो बोलते नहीं अपने आप को एक्स मुस्लिम, लेकिन ये समझ गए ना, ये बता रहा उसमें बोलते नहीं है लेकिन एक्स मुस्लिम ही है समझ में आ रहा है ये बोलेगा उसमें। लेकिन वो एक साथ लिंक भेज दिया मुझे कैसे तो देख लीजिए, आधा घंटा लगाना था मैंने लगा लिया देख लिया उसमें, या एक या दो एक्स मुस्लिम थे एक तो क्लियर थे, तो वो जो एक्स मुस्लिम थे बड़ी मुहज्जब बहुत नौजवान थे, बहुत मुहज्जब अंदाज में बात कर रहे थे, बहुत डिसेंट थे, उनके पास कुछ दलीलें थी जो वो रख रहे थे, जवाब देने के बाद जब जवाब नहीं होता तो चीखते धमकियां देते, ये केस बढ़ता रहा और अब वो जो जिनका मैंने आपके अभी तस्करा किया जो लड़का था, अब बात ये इन तीन पर नहीं रुकेगी, ये इनका तो फैसला आपको पता होना चाहिए, अब तो अंदाजा होना चाहिए कि इन दोनों का क्या होगा, ज्ञानवापी का भी और मथुरा की मस्जिद का भी। मैं ये नहीं कह रहा कतन कि वो मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी, मुमकिन है बनाई गई मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने फैक्ट्स नहीं, हो सकता है उनकी ज्यादती हो सकता है सचमुच बना दी गई हो, लेकिन दोनों में से जो भी बात हो फैसला क्या होना ये मालूम है पहले से। अब और ज्यादा दिन नहीं लगेंगे फैसले, फिर जगह जगह मस्जिदें, अभी का वीडियो है ये फैसले की बात कर रहे हैं, फैसला हो गया तो मंदिर भी बन गया है। नहीं नहीं हार तो मान चुका ना ये, अंदर से बता रहा है कि फैसला हमारे इनके अगेंस्ट में आना है। नहीं लेकिन ये कभी का वीडियो है, ये पुराना वीडियो है क्या, क्योंकि फैसला तो आ गया मंदिर भी बन गई, कौन से फैसले की बात कर रहा है? नहीं राम मंदिर का नहीं, इसके बाद में अभी काशी विश्वनाथ ज्ञानव्यापी की बात कर रहा है। ओके 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 ज्ञानव्यापी और मथुरा की ईदगाह वाली जो मस्जिद है। ठीक है ठीक, तो ज्ञानव्यापी का तो भाई ज्ञानव्यापी का तो बाकायदा स्ट्रॉन्ग दलीलें है ना। अरे आप बैक साइड का इसका दीवार देखोगे तो साफ साफ दिख रहा है मंदिर है, ईदगाह देख लो मथुरा वाली और ज्ञानवापी देख लो, दोनों में क्लियर क्लियर दिखती है कि मंदिर का पार्ट है वो, तो इन्होंने तो आगे का खाली के बना रखा है। फैसला मालूम है ऐसा बोल रहा है भाई, वो फैसला जो है वो तो सर्वे की रिपोर्ट पे दिया गया है ना, आएगा फैसला तो ये इस तरीके से आप बोल सकते हो, नेकेड आंखों से दिख रहा है भाई फैसला, सर्वे में जो भी रिपोर्ट आएगी या कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग चलेगी वो ठीक है, बाकी कोई भी अगर नेकेड आईज से भी देखेगा तो साफ साफ दिख रहा है। सही बात है। अब लेकिन वो अभी बनी हो चंद दिन पहले किसी मैदान में बनी हो, उसे तोड़िए उसमें 5-6 शिवलिंग निकलेंगे इस तरह के पत्थर निकल आएंगे कि देखिए ये थे आसा। आप देख रहे हैं अदालतें भी फैसले कर देती, अभी तो इसका सिग्नल चला हुआ पर भद्रा की ईदगाह के ऊपर फैसला आ गया कि हाँ ये इस पर दावा किया। अब जिस जगह है जिन हालात के अंदर अच्छा ये कितनी चालाकी कर रहा है इधर। अरे भाई लोग नहीं कॉल करो यार व्हाट्सएप पे, मेहरबानी करो मेरे ऊपर, स्ट्रीम के दौरान करके तुम लोग जो है ना पूरा फ्लो खराब कर देते हो। अच्छा ये कहना ये चाह रहा है ये अभी इसने जो ये गेम डाल रहा है ये छुप छुप के गेम डाल रहा है, ये कह रहा है कि तुम किधर भी देख लो ये जिसको मंदिर बोल देंगे वहां से ये शिवलिंग विलिंग निकल ही जाएगा। मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि वहां पे बाद में डाला जा रहा है और उसके बाद फिर सर्वे रिपोर्ट और इस तरीके की चीजें जो है सामने लाई जा रही है कि भाई वहां पे मंदिर थी। ये कह रहा है कि पूरा जो है मामला फ्रॉड का है, सोचो आप ये मेकअप आर्टिस्ट का ये हाल कि कहीं मैदान में भी खोदोगे तो वहां भी शिवलिंग निकलेगी, तो बोला मंदिर ये मस्जिद के नीचे निकल गई तो क्या बात है। आगे अब उसमें फिर खबर आई कि वो फसला बोर्ड ने कहा है कि ये जिन मुसलमानों ने जो केस लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। ये कुछ और कह रहा था मैं कुछ और समझ गया, फिर से लगाओ जरा क्या मुझे समझने में गलती हुई है। अब उसमें फिर खबर आई कि वो फसला बोर्ड ने कहा है कि ये जिन मुसलमानों ने जो केस लड़ रहे हैं ज्ञानवापी का
हम उन्हें सपोर्ट करेंगे और उनको लीगल और दूसरी एड देंगे। पहले भी कोई मुद्दे ये थोड़ी थे, पार्टी ये थोड़ी थे, वो तो जो लोग वहाँ के पुराने चले आ रहे थे उन पब्लिक हाई पे उन्होंने क्रिएट की थी और सपोर्ट कर रहे थे, उनका हम सपोर्ट करेंगे। अभी कुछ बचा है अभी और डिपो ने, मैं उस पर आता हूँ। क्या आपके बच्चे भी दुनिया भर, क्या आपके बच्चे भी दिन भर मोबाइल देखते हैं? कितने ऐड तो डाल के रखा है इसने, सूर्य मायदा की आयत है, दो जगह है। हाँ, यहाँ से एडम भाई का काम चालू हो गया, अभी सूर्य मायदा की आयत बता रही है। एडम साहब सुनिए जरा, कुरान की आयत की मैंने अभी बात की, सूर्य मायदा की आयत है, दो जगह है, थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ में। वला यजरिमन्नकुम शनान कौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिद अल हराम अन तअतदु, वो तुम्हें एक कौम के दुश्मन जो तुम्हें मोहतरम मस्जिद, असल में तो काबे को कहा है, एप्लीकेशन होता है, लफ्ज़ काबा नहीं इस्तेमाल किया, उसका नफाज होता है उस जैसे हालात में सब जरा, जो काबिल एहतराम मस्जिद पर जाने से तुम्हें रोक रहे हैं, उनसे जो दुश्मनी तुम्हारी, वो तुम्हें इस पर मजबूर नहीं करे कि तुम भी ज्यादती करने लगो। उन्होंने मौलाना ने मुझसे नहीं किया था कि मुसलमान कब ज्यादती कर रहे हैं, इतना तो समझती हूँ मैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर तीन तो फिर ये तो एक है, फिर तीन है, फिर 300। बहरहाल ज्यादती सिर्फ ये नहीं होगी कि हम अदालतों से फैसले जबरदस्ती करवा दें, ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कि पुलिस से टेररिज करवा दे, ज्यादती सिर्फ ये नहीं होती कुछ मॉब्स को पुलिस छूट दे दे। मुसलमानों की, आपकी ईमान वालों की ज्यादती ये होती है कि जिस सिचुएशन में आपको कुरान के मुताबिक जैसे रिएक्ट करना चाहिए था आप उसे बदल दें, ये ज्यादती होती। ये तो तब जब हिजरत की थी मैंने कहा, उसके बाद फिर एक मौका आया जब ताकत आ गई थी सन 6 हिजरी में, और उनमें मुकाबले की ताकत नहीं थी जब यहां से 1400 पहुंचे थे और मक्के से कुछ दूरी पर कयाम किया था, उस वक्त वो अड़ गए कि हम आने नहीं देंगे और उन्हें मुकाबले की ताकत नहीं थी। कुरान ने बताया कि नहीं, वला कातलकुम लदीना कफरू लवलाउ लबार सुमला इजतुना वलीय वला नफीरा, अगर ये आज लड़ जाते तो पीठ फेर कर भागते, बड़ी जिल्लत की शिकस्त मिलती उनको, वो दुश्मनों तुम जीतते। उस मौके पर हुक्म आया कि वापस जाओ, बड़ा सेंसिटिव मौका था जज्बात के लिहाज से सहाबा, यहाँ समझे साहिब साहब? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ये वही बता रहा है कि 1400 साल पहले जब ये मुसलमान ताकत में नहीं थे तब काबा छोड़ के चले गए थे और बाद में ताकत में आए। हाँ, वही चीज अभी रिपीट करेगा इसको, उसको और कुरान वगैरह से बताएगा। तो ये बोलना मैं यही चाह रहा है कि अभी ताकत में नहीं है मुसलमान, तो अभी ये जो मांग रहे हैं या जो चल रहा है वो चलने दो, और जब हम ताकत में आएंगे तब वापिस ले लेंगे सारी चीजें। नहीं, लेकिन बात यह है कि जो मस्जिद हराम की इसने बात की है सूरह माईदा की, सूरह माईदा तो सेकंड लास्ट सूरह है, ये तो अटैक से थोड़ी देर पहले की सूरत है। तो सूरह माईदा की इसने कौन सी वाली आयत के ऊपर मस्जिद हराम की बात की है? सूरह माईदा की दो नंबर बोल रहा था शायद। दो नंबर अगर आयत में तो वहां पर ऐसी कोई चीज ही नहीं है, वहां तो कहता है कि अगर मैं दो नंबर आयत खोलूं तो ईमान वालों बेहुर्मती मत करो अल्लाह के शुअरा की। शूरा किसे कहते हैं? शूरा कहते हैं अल्लाह के साइंस की, ठीक है, शूरा की साइंस की, ठीक है। और हुरमत वाले महीने की भी नहीं करो, और हुद्दी के जानवरों की भी नहीं करो, और बैतुल हराम के हाजियों की भी इज्जत एहतराम करो, ठीक है, ठीक है, बेहरमती मत करो उनकी। वो तलबगार हैं अपने रब के फजल और उसकी खुशनूती के, हाँ जब तुम हलाल हो जाओ तो फिर तुम शिकार करो, तुम्हें अमादा ना कर दे किसी कौम की दुश्मनी की कि उन्होंने रोके रखा तुम्हें मस्जिद हराम से कि तुम ज्यादती करने लगो, तुम नेकी और तकवे के कामों में तावुन करो, गुनाह और जुल्म और ज्यादती के कामों में तावुन मत करो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, यकीन अल्लाह सजा देने में बहुत सख्त है। तो एट द एंड कहना क्या चाह रहा है, इस आयत को प्रेजेंट करके कहना क्या चाह रहा है, लाइक वेयर, यानी इस आयत को कहां लेके जाना चाह रहा है डिस्कशन को, वही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बल्कि अमित साहब के इसको सलाम करता हूं कि ऐसे डंगर को अमित साहब सुनते हैं। अरे मैं बहुत डंगरों को सुनता हूं आजकल। मैं तो इसको दो मिनट भी नहीं झेल सकूं यार, इसके इसके वीडियो को। सर आप कोई तगड़ा आदमी लाए बोले तो मजा भी आए, तारिक मसूद हो गया, ये डंगर को जानता ही कौन है, खत्म है ये। तगड़ा में तो इनको एडम भाई को दिया हूं मैंने इंग्लिश में, इसने अब ये क्या नाम था उसका, ये अमेरिका में है ना वो
अब्दुल्ला क्या नाम उसका, डॉक्टर डॉक्टर यासिर कादी, हाँ यासिर कादी, उसका वीडियो दिया हूँ इंग्लिश में, उसने भी उसका भी अंडरटोन यही था यार। वो बनाएंगे यार, यार साहिल मैं मंडे को स्ट्रीम करता हूँ जो कि ट्यूसडे मॉर्निंग बनती है तुम्हारी, तो अगर आना हुआ तो कभी आ जाना, यू लाइक इट। ये ट्यूसडे एवरी मंडे को मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, विच इज ट्यूसडे फॉर इंडिया। अच्छा, यू आर कंटिन्यू वहां के लिए, बेसिकली मैं इंग्लिश स्ट्रीम करता हूँ टोरंटो टाइम के मुताबिक, कनाडा टोरंटो टाइम। अच्छा, इंग्लिश चैनल पे बोल रहा है क्या? हाँ, इंग्लिश चैनल पे करता हूँ। ठीक है, डन डन। तो एवरी वो बनता है मंडे का, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जो अमेरिका कनाडा और यूरोप को पकड़ने की, तो मैं वो करता हूँ काफी अर्ली, तुम्हारा काफी अर्ली बनेगा, सो अगर कभी अर्ली जागो तो आ जाना। इट विल बी व्हाट 6 AM इंडिया टाइम या 5:30-6 AM इंडिया टाइम के ऊपर करता हूँ तकरीबन, क्योंकि वहां पे मैं देख रहा हूँ कि यूके में बड़े गेम खराब हो चुके हैं। यूके का टाइम मेरा 100% मैच नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, तो मैं यूके टाइम को पकड़ने की कोशिश करता हूँ 11 बजे का यूके टाइम। तो यूके टाइम, कनाडा टाइम, अब कनाडा में इतने ज्यादा मुसलटे आ गए हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं, मैं तो हैरान हो गया हूँ कितने मुसलटे कनाडा में आ गए। तो वो मैंने परमानेंट वहां पे स्टार्ट कर दी है, मंडे टाइम, मंडे शाम को तकरीबन 7 बजे टोरंटो टाइम कनाडा टाइम, जो कि बनेगा तकरीबन 11:30-11:30 का टाइम यूके का, और तुम्हारा टाइम बनेगा तकरीबन अर्ली मॉर्निंग का। तो अंग्रेजी स्ट्रीम मैंने जो है ना रेगुलर कर दी है वहां पे। डन। अभी मैं मेरी टिकट से देख रहा था, तो 6 को शायद मैं तेरा स्ट्रीम ज्वाइन कर लूं, लेकिन मैं मेरा स्ट्रीम नहीं कर पाऊं रात का। लेट्स सी, थोड़ा मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा टाइम। आई थिंक आई कैन ज्वाइन योर स्ट्रीम। Whenever you feel comfortable, just yeah, I'll join. जोन सा भी, जोन सा भी थोड़ा, हाँ, जोन सा भी दिन तुम्हें suitable लगता है ना, it's not necessarily कि तुम, मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत odd time बनेगा, मगर इसी odd time पे करेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं सकते ना। We have to capture that kind of an area, because अमेरिका में भी देखो और कनाडा में भी देखो, time zone 3-3 चलते हैं, ठीक है। अगर टोरंटो का 7 है तो opposite side का जो है ना वो 6:05-4 बजता है, ठीक है, शाम का। तो यानी देयर सो मेनी टाइम ज़ोन्स जिनको आपने कैप्चर करना है, तो आप बेसिकली 4 बजे से लेके 11 बजे तक के अंग्रेजी के सारे टाइम ज़ोन कैप्चर कर रहे होते हैं बाय डूइंग एट दिस टाइम। तो इसलिए मैं मंडे को 7 बजे शुरू किया। पिछला पूरा साल तुम्हें पता है 2023 में मैंने पूरे इंग्लिश चैनल पे बमुश्किल 8 वीडियोस डाली हैं पूरे साल में, लेकिन अब मैंने जो है ना परमानेंट कर दी है कि मंडे को तो जाना ही जाना है इंग्लिश चैनल पे, एक लाइव स्ट्रीम तो करनी करनी है। तो जब भी मौका मिले, चाहे थोड़ी देर आ जाया करो, आ जाया करो। यस यस यस, साथ में करेंगे। अच्छा एडम साहब, एक मोमिन जुड़ा है, और इसके बाद मैं आपको अंगूर दावा का एक वीडियो दिखाऊंगा, बड़ी जबरदस्त चीज उसने कही है, उस पर थोड़ा तबसरा हम करेंगे। उससे पहले अंसारी साहब से बात कर लेते हैं। अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। अंसारी साहब, अंसारी साहब, किसी को आवाज आ रही है इनकी? नहीं नहीं, अंसारी साहब आप स्ट्रीम में हैं, बोलिए। माइक नहीं काम करा शायद। भाई अंसारी साहब, यार अमित, ये फ्री मैन ने तुझे गोली नहीं मारी? क्या चीज? वो प्राइवेट चैट में लिख रहा था, अमित मुझे स्ट्रीम में ले, नहीं लिया तो गोली मार दूंगा। तो मैंने कहा तुझे गोली, गाली, गाली, फ्री मैन की? गाली गोली है। अच्छा, गोली, गोली है। GOLI, गोली मार दूंगा। हाँ, हाँ, मैं गाली देखा है तो मैं ब्लॉक ही कर दिया फिर। यार वो गोली मारने की धमकी दे रहा, तूने ब्लॉक कर दिया उसको? डर लगता है ना, गोली कौन खाएगा? हाय हाय हाय, यार ऐसे तो नहीं करते ना यार, वो गोली मारने आया था तूने ब्लॉक कर दिया। नॉन मोमिन था। चलो मैं जरा अली दावा की वीडियो लेके आता हूँ। नहीं नहीं, अंगूर दावा क्या खुसरे रह गए हैं सिर्फ दुनिया में डिबेट करने के लिए?
डाउनलोड हो रही है, एक सेवन नहीं एमबी एक 12 MB है। नहीं नहीं अरे भाई अंकुर कुमार नहीं जुड़ सकते, 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 नॉन मोमिन। सारे मैसेजेस का तुम्हारे एक ही रिप्लाई कर दिया हूं। कम से कम 5-6 बार 7-8 बार मेंशन कर दिया भाई। ओके यार ये बहुत जाती है यार, डाउनलोड ये बहुत जाती है, बहुत जाती है, नॉन मुस्लिमों के साथ बहुत जाती है। बड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है अब स्कूलों में भी। कहां है रे अली दावा डेट मॉडिफाइड। अब तू ऐसे करेगा यार, गर्लफ्रेंड की वीडियो लगाएगा। हाँ मीमी हिजाब की गर्लफ्रेंड की वीडियो लगाएगा यार साहिल, ऐसी ऐसी हरकतें करेगा तू। अब ये वक्त आ गया। लेकिन आप ध्यान रखना कि डॉक्टर जाकिर नालायक ने करोड़ों लोगों को जो बेवकूफ बनाया था, और उसका सबसे मेजर आर्ग्यूमेंट ये था कि कुरान में साइंटिफिक मिरेकल्स है, और 1400 साल पहले रेगिस्तान में एक बंदा वो इन बातों को नहीं बता सकता जो कि रिसेंटली साइंस को पता चली है या रिसेंटली साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है। 1400 साल पहले कोई इंसान जो है ये बातें कैसे बता सकता था। ये उसका मेजर आर्ग्यूमेंट था अल्लाह को असल खुदा मानने की और कुरान को असल खुदा की तरफ से कलाम मानने की। आप सभी लोग जितने लोग डॉक्टर जाकिर नालायक साहब को सुनते हैं उसका मेजर आर्ग्यूमेंट यही था। ठीक है अब देखिए ये जो डंगर है अंगूर दावा। बिफोर यू प्ले दिस वीडियो, बिफोर यू प्ले दिस वीडियो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात करने लगा यहाँ पे। ये इस अंगूर दावे का भी पहले यही मोटिव था, इसने भी पहले यही मोटिव चलाया। तो सर इस स्टेटमेंट के लिए सर आप थैंक यू बोलें इनके, इनको ये जो स्पीकर्स कॉर्नर पे जाते हैं एक्स मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो इनके साथ डिबेट करते हैं, इसके लिए सर आप उनको थैंक यू बोलें कि उन्होंने इसकी इतनी बजाई, इतनी बजाई इस साइंस के ऊपर, इतनी बजाई, इतनी बजाई कि उसको मजबूरी में आके स्टेटमेंट देनी पड़ी है। और स्पेशली इस चीज के अंदर सोको सोको चैनल है, SOCO सोको, उनका हाथ है बहुत ज्यादा। ठीक है दूसरा इसके अंदर हाथ है हातून ताश के चैनल की मिनिस्ट्री के लोगों का, ठीक है सोको का, और इन लोगों का मेजर हाथ है कि उन्होंने इसकी वो बजाई है इस चीज के ऊपर कि ही फाइनली हैड टू कम अप एंड से दिस। सो यार इसका सारा सेहरा जो है ना वो जाता उन पे है कि उन्होंने इसे फाइनली उगलवाया। ये दैट्स द क्रेडिट के लोगों का। ओह यस सर। तो जो मेजर जो आपका आर्गुमेंट था वो तो फिर खत्म हो गया ना। पहले लोगों को लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं, पहले इसके ये कह क्या रहा है वो सुन लेते हैं। पहले चला देता हूं मैं। वन ऑफ द रीजंस आई एक्सेप्टेड इस्लाम वाज द साइंटिफिक मिरेकल्स, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा ये बोल भी रहा है कि मेरी इस्लाम में आने की वजह जो है वो साइंटिफिक मिरेकल्स इन कुरान है। नाउ वी नो दैट दिस होल साइंटिफिक मिरेकल्स इज एक्चुअली नॉनसेंस, नॉट टॉक। ऑल साइंटिफिक मिरेकल्स आर एब्सोल्युटली नॉनसेंस, नॉट ऑल इन टोटल। बट गेस व्हाट, अल्लाह लेट मी टू इस्लाम, वन ऑफ द रीजंस वाज बिकॉज़ ऑफ द साइंटिफिक मिरेकल्स, एंड गेस व्हाट, डिड आई लीव इस्लाम व्हेन दिस होल साइंटिफिक मिरेकल थिंग गॉट डिबंक्ड। अच्छा इधर नीचे इन लोग ने ऐड भी किया है अबाउट वाटर, एवरी सिंगल डिबंक्ड। नहीं यार इसमें डीसीसी मिनिस्ट्री ने जो इसकी शॉर्ट बनाई ना ज्यादा अच्छी, रुको मैं निकालता हूँ, वो बड़ी जबरदस्त है। और एक है और एक वीडियो मेरे पास, ये भी चला देता हूँ, फिर आप वाली भी निकालो। हाँ चलो चलो चलो
हाँ जी ओके reconfirm कर रहा है Yeah, how about such videos on points? And you know why many people in the dua, many duas, YouTubers, my colleagues, like the brothers that I work with, didn't do a video. Why did you say that? Because they know it as well. The scientific argument. अच्छा अरे कहाँ गया? ये क्या बोल रहा है कि मैंने ये कहने के बाद जो मेरे दोस्त है, जो दावा टीम है, उन लोग ने मेरे खिलाफ वीडियो क्यों नहीं बनाए? क्योंकि उनको भी पता है ये चीज. ये देखो फिर से सुनते हैं. Is debunked, and we as Muslims, guess what? It doesn't bother us to the least. You know why? Because alhamdulillah. No, ye actually, ek minute ko. So in the entertainment video, I mentioned that the scientific miracles are not debunked, and for some odd reason, funnily enough, like as if they thought that it was slip of the tongue. I'll repeat it again. अच्छा ये कह रहा है कि लोगों को लगा कि वो मेरा तो मुझसे तो जो है ना slip of tongue हो गया, गलती से मुंह से निकल गया. The scientific miracles argument in the Quran got debunked. हाँ, debunk हो चुका है. ये कह रहा है कि वो slip of tongue नहीं है, बल्कि actually में मेरा अभी ये है कि भाई debunk हो चुका है scientific miracle. Yeah. बेशक. हाँ, अभी देखो ये Adam साहब ये point देखो बड़ा जबरदस्त है. And you know why many dawa YouTubers? Many people in the dua, many duas, YouTubers, my colleagues. YouTubers. दुआत यानी वही दावा वाले ग्रुप जो लोग है, यूट्यूबर्स, माय कोलीग्स, प्रोफेसर्स आई वर्क विद, उन लोग ने वीडियो नहीं बनाया. क्या बोला कि उनको भी पता ही है. oh. ये सबके साथ गेम कर रहे हैं. ये सबके साथ गेम कर रहे हैं. It doesn't bother us to the least. You know why? Because it doesn't bother to the least. जो reason था वो खुद scientific miracle था भाई. अब फिर किस बुनियाद पर तू टिका हुआ है? हा अब किस बुनियाद पर टिका हुआ है भाई? खत्म हो गया भाई इनका. ये इनके मुंह से अभी निकल रही है सारी चीजें. आप सोचो कि 15 से 20 साल इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया है, चूतिया बनाया है. 15 से 20 साल एडम साहब, ये कम टाइम नहीं है. ये जो पूरा दौर चला था जाकिर नायक वाला और उसके बाद ये जितने थे डंगर लोग, सब लोगों ने यही सब आर्ग्यूमेंट्स लिए साइंस वाले. 15-20 साल के बाद आके फिर ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि नहीं, ऑलरेडी सब डीबंक हो चुके हैं. सर यही तो बात है, यही तो बात है सर, यही तो बात है सर. ये सर इनका क्या किया जा सकता है सर? इनका कुछ नहीं किया जा सकता. इनका कुछ किया जा ही नहीं सकता. दे आर लाइक दिस. ये देखें बड़ा अच्छा है यार, ये डीसीसी एडमिनिस्ट्रेशन में डाला है सर. इन लोगों ने बहुत काम किया इस चीज के ऊपर. वेस्ट में इन लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन सर ये लोग काम जो है ना दूसरे तरीके से करते हैं. हमें थोड़ा सा दूसरा तरीका वापस लेके आना है यहाँ पे. ये चलाते हैं जरा. साइंटिफिक मिरेकल्स आर्गुमेंट इन द कुरान गॉट डीबंक्ड. ठीक है, ये जरा स्पीड नहीं किया हुआ उसने, बड़ा सही लेवल. ये बाकी जो शॉर्ट्स आपने दिखाई उसमें बड़ा स्पीड अप किया हुआ उसकी आवाज को. Scientific miracle in the Quran are debunked. The scientific argument, scientific miracles in the Quran is debunked. And we as Muslims, guess what? It doesn't bother us to the least. So it doesn't bother us to the least. Bhai, it bothers you. Hamare India, Pakistan mein abhi tak wo samajh rahe hai ki scientific miracle hai. West mein debunk hua hai. Sabse pehle West mein debunk hua ki koi ek Quran nahi hai, multiple Quran hai. Sabse pehle West mein ye debunk kiya gaya. और ये भी इसका भी क्रेडिट जे स्मिथ और हातून ताश को जाता है. सबसे पहले जो मल्टीपल कुरान, मल्टीपल अरबिक कुरान है
जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज किया वो जे स्मिथ और हातून ताज ने किया। उसके बाद ये वाला आर्ग्यूमेंट भी उन लोगों और उनकी टीम ने और सोको ने सबसे ज्यादा डीबंक किया, रन टाइम पे जा जाके सामने खड़े होके इनको जलील किया। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है सर, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो, मैंने इस मंडे को चलानी थी अपने चैनल पे, ये आपने पहले दिखा दिए, कोई बात नहीं। The argument says it was debunked, it is debunked. There is no argument now. It is debunked, it is debunked. Yes, sir. It is debunked and we don't need it. जो चीजें यूटर्न नहीं है, जो फैक्ट बन चुकी है उनको तो नहीं ना आप खराब कर सकते ना, जो फैक्ट बन चुकी हुई है उनको कैसे खराब करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा एडम भाई, हातून ताज का कोई अपडेट है आपके पास? जी जी, शी इज सेफ, शी इज सेफ, बताया था ना लास्ट टाइम ही, सही है वो। अच्छा, बता दिया था ना। ओके, तो ये आगे है क्या, खत्म हो गया है? बताया मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एडम साहब। नहीं नहीं, खत्म है ना, थोड़ा बच्चा हुआ दिख रहा है। One in the bin, not even the recycle bin. You can't even recycle it. It's gone to the waste. Like poo. It's gone. And we are proud of that. And I'll repeat it again. Yes? We are proud of that. Yes. And you know what I'm talking about. Repeat it again. Very careful. इस बात के लिए proud है रे भाई। The scientific miracles argument in the Quran. खत्म हो गया ना? वो we are proud of that. वो तो उसका standard narrative है ना, जो वो अपना चलाते होते हैं वो standard narrative है उनके। We are proud of that. जैसे अल्लाह कहते हैं और वो बड़ा मेहरबान और रहीम है, इसका एक आर्गुमेंट है मैं, we are proud of that. तो वो उसको तो आप छोड़ ही दें सर। Anyhow, okay. सर ये सीन है। तो ये इनकी हालत हो चुकी है और अब ये साइंस 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 जो थोड़े बहुत बचे हुए है ना, वो भी थोड़े दिनों में कुछ सालों में वो भी छोड़ देंगे। अब इनको नई जलेबी कुछ लानी पड़ेगी। अब इस्लाम का खात्मे से कोई बचा ही नहीं सकता इस्लाम को। आहिस्ता आहिस्ता करके ये बहुत 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 इस्लाम की जो है ना बहुत बुरी हालत होने वाली है। बहुत नाजुक फेज से गुजर रहा है इस्लाम पूरी दुनिया में। नई जलेबियां लाएंगे कहां, इस्लाम की दुकान तो बंद हो रही है, बचा ही नहीं है ना, कहां से लाएंगे जलेबी अभी। एक साइंस, एक इनके पास, इनको लगा था कि एक साइंस का सहारा लेके थोड़ा सा हम गेम डालते हैं और इन्होंने डाली है, बहुत बड़ी गेम डाली है, लेकिन अब वो भी टूट गई। ये तो साहिल भाई आप बड़ा काम खराब कर रहे हैं यार, ऐसे तो नहीं करें यार साहिल, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है यार। क्या करें एडम साहब, जो हकीकत है वो तो हकीकत है। Bad, very bad, very bad. So sad. दुख 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 हो रहा है इस्लाम के लिए, हमें दुख हो रहा है, दिल से दुख हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सुपर चैट्स लेते हैं और उसके बाद अगर मोमिन हजरात की आज बोलती बंद हो गई है फिर हम स्ट्रीम को आज की क्लोज करेंगे। वैसे भी मैं ट्रैवलिंग मोड पे हूँ, कल भी मेरी फ्लाइट है। तो राहुल साहब कह रहे, एक मुस्लिम तो टेंपल जाता है, कयामत पास है बोलता,